السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله محترم هازرين हर किस्म की तारीफ़ तोसीफ़ बड़ाई और बुज़ुर्गीबादत और बंदगी तजल्ल और इफ्तार ये अल्लाह रबुलामी के साथ ख़ास है बेशुमारदरुसम नाजिल हो अल्लाह के तमाम अम्बिया और ख़ास कर अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल जनाब महमदरसोल्ला सल्ह्लम पर मोहतरम हज़रा आज के दरस के लिए मैंने जो अनवान मनतखब किया है वो ये है कि बेहतरीन ज़िंदगी के लिए पाँच क़ुरानी असूल यूँ तो क़ुरान करीम अपनी तालीमत में इस क़दर सीधा है इस क़दर सच्चा है कि वैसी राहनुमाई वैसी हिदायत कहीं और नहीं मिल सकती क़ुरान करीम की हर आयत उसका हर रुक उसकी हर तालीम इंसान को हर किस्म के कजरवी से टेढ़पन से पूरी तरह महफूज़ रखती है अल्लाह रबी ने कुरान करीम के बारे में फरमाया इन कुरान यह दी लती अकवम कि बेशक यह कुरान उस तरफ रहनुमाई करता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है तो इस एतबार से पूरा कुरान करीम सीधे राह की रहनुमाई करता है जिसके ज़रिया हम सब की जिंदगियां बेहतर से बेहतरीन हो सकती हैं लेकिन इस छोटी सी मजलिस के लिए मैंने सिर्फ़ पांच बातों का इंतखब किया है जिनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब को चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि उस तालीम जिसे अल्लाह रब्लमी ने नाजिल फ़रमाया है उसके हमारी दुनिया की ज़िंदगी पर भी और हमारे आखरत की ज़िंदगी पर भी उसके बहुत ही गहरे और मुफीद असरा मरतब होते हैं उनमें से पांच उसूल मैंने आपके लिए मंतख किए और उन पांच उसूलों का मैं बहुत ही इख्तसार के साथ आपके सामने वजाहत करूंगा सबसे पहली बात है अल्लाह रब्बालमीन ने कुरानी में मरसाद फरमाया वकुलसन एक और मकाम पर अल्लाह रबालमीन ने फरमाया वकुल इबादी अहसन तो पहली बात यह है कि हम सब को चाहिए कि हम तमाम लोगों के साथ अपनी गुफ्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें अपनी ज़बान का बेहतर इस्तेमाल करें हमारी ज़बान से निकलने वाली बात निकलने वाला क़लिमा, निकलने वाले जुमले हमारा उसलूब खिताब हमारा अंदाज बयान सच्चाई पर मबनी हो हु। हुस्न पर मबनी हो बशारत पर मबनी हो खैर और भलाई पर मबनी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल से अहदोपैमान लिया जिसमें तौहीद का जिक्र है वालिदैन के हुकूक का जिक्र है रिश्तेदारों के हुकूक का जिक्र है और उन्हीं उन्हींदोपैमान में एक अहद एक वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे ये लिया वकुलना से हसना और सारे लोगों के साथ तुम अच्छी बात करो हसीन बात करो बेहतरीन बात करो ये इस बात की अलामत है इस बात की दलील है कि लोगों के साथ अच्छी गुफ्तु करने का एक बड़ा ही आला तरीन मकाम है जिसका अल्लाह आलमीन ने बनी इसराइल से वादा लिया और ये वादा तौहीद और हुकूकुल इबाद के ज़िमन में मौजूद है वक़ूल से हसना दूसरी बात काबिल गौर यह है कि अल्लाह आलमीन ने यह वादा नहीं लिया कि आपको अहले ईमान के साथ अच्छी गुफ्तु करना है बल्कि सारे इंसानों के साथ सारी इंसानियत के साथ काफिर हो मुनाफिक हो मुशरिक हो दुश्मन हो बिदाती हो कोई भी हो उसके साथ हमारा अंदाज़े गुफ्तगु अच्छा होना चाहिए हमारा उसलूब कलाम बेहतर होना चाहिए अल्लाह रब्बुल रबुलामी ने इसी बात का हुक्म बड़े ही प्यारे अंदाज में इस उम्मत को भी दिया फरमाया वकुल इबादी ही अहसन और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो सबसे ज्यादा अहसन तरीन सबसे ज्यादा खूबसूरत और बेहतरीन गुफ्तगु किया करें इस आयत करीमा से भी पता चलता है कि एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जबान से निकलने वाले कलिमत पर कंट्रोल रखे और हमेशा हर एक इंसान के साथ अपनी ज़बान के जरिए जब वो गुफ्तु करें तो अच्छे अंदाज में अच्छे उसलूब में गुफ्तु करें चाहे वो मामला वालिदेन का हो जिसके बारे में अल्लाह रबालमी ने फरमाया वाला तनहर हमा वक़ुल्ल हम कऊलन करीमा कि माँ बाप को डांटो नहीं बल्कि उनके साथ इकराम वाला अंदाज इख्तियार करो गुफ्तु में कौले करीम उनके साथ बात करो ऐसी बात जिसमें एहतराम हो जिसमें तकरीम हो जिसमें इज्जत हो ऐसी गुफ्तु मां बाप के साथ करो जो आदमी आपसे सवाल करता है चाहे वो भीख मांगने वाला हो या आपसे कर्ज मांगने वाला हो जो भी आपसे सवाल करने वाला हो उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल रब में नहीं फरमाया वह फला तनर सवाल करने वाले को डांटो नहीं तो क्या करो अच्छे अंदाज में या तो उसे दे दो या तो उसे वापस कर दो लेकिन उसे डांटो नहीं बुरे अंदाज में उसके साथ बात मत करो बल्कि अच्छे अंदाज में उससे गुफ्तगू करो तो पता ही चला कि एक मुसलमान को वाले जैसी अजीम शख्सियत के साथ भी अच्छे अंदाज में गुफ्तु करना है और सवाल करने वाले जैसे जरूरतमंद के साथ भी आपको अच्छे अंदाज़ में बात करना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला हजरत आयशर रज तला के कमरे में बैठे हुए थे उसी टाइम एक शख्स ने इजाजत मांगी अंदर आने की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई और साथ ही में आपने इशाद फरमाया बीस अखुल अशीरा यानी कबीले का बहुत बुरा आदमी जब वो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो अला नहुल कलाम आपने उसके साथ बड़ी नरम गुफ्तु फरमाई बाज रिवायतों में है आपने उसके साथ मुस्कुरा कर तबस्सु फरमा करके इंतहाई खुशी के साथ उसके साथ बात किया हजरत आयशा रहा ने बाद में सवाल किया आदमी के बारे में बीस आखीरा कि ये कबीले का बुरा आदमी है अच्छा आदमी नहीं है और जब वो आपके पास आया तो आपके बात करने का अंदाज आपके मिलने का अंदाज आपके चेहरे की मुस्कुराहट से तो यह लगा ही नहीं कि आप किसी किसी बुरे आदमी से बात कर रहे हैं तो आपने फरमाया ए तुमने मुझे कब ऐसा पाया कि मैंने दूसरों के साथ बुरे अंदाज में गुफ्तगू की कभी ऐसा नहीं किया मैंने मेरा सामना किसी भी इंसान के साथ हो लेकिन मैं उसके साथ अच्छे अंदाज में ही गुफ्तगु करता हूं तो तूने मुझे तो कभी नहीं देखा कि मैंने किसी के साथ बदजबानी की हो बदगोई की हो बुरे अंदाज में बात किया हो तो आज मैं इस शख्स के साथ बुरे अंदाज में कैसे बात कर सकता हूं उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी बदजबानी से जिसकी बदगोई से जिसकी फहश गोई से लोग उससे बचना चाहें उससे दूर रहना चाहें उसे छोड़ दें ऐसा आदमी अल्लाह के नजदीक बदतरीन इंसान आपकी जबान की सख्ती आपके जबान की फहशगोई, गोई आपका उसलूब कलाम ऐसा हो कि लोगों को तकलीफ हो और उस तकलीफ से बचने के लिए लोग आपसे मिलना छोड़ दें अगर आपके अंदर यह बुराई मौजूद है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा इंसान पता ही चला कि जबान अगर अच्छी है आपकी बातें अगर प्यारी है तो उसके असरात इंसान के दीन पर भी और इंसान की दुनिया पर भी पड़ते हैं ऐसा इंसान अपनी जबान की खराबी की वजह से लोगों के नज़दीक भी बुरा होता है कि लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते और वो अल्लाह के नज़दीक भी बुरा होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया अल कैली में तो कि अच्छी बात करना पाकिजा बात करना खैर और भलाई की बात करना ये सदका है इस पर इंसान को सवाब मिलता है इस पर इंसान को अजर मिलता है और एक हदीसे रसूल में कहा गया कि जब इंसान सुबह करता है तो इंसान के सारे आजा जबान के सामने गिड़गिड़ाते हैं रोते हैं आजिजी करते हैं और कहते हैं कि देखो अगर तुमने सीधी राय इख्तियार किया तो हम भी सीधे रहेंगे और अगर तुमने टेढ़ापन इख्तियार किया तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे क्योंकि इंसान को मार कब पड़ती है जब इंसान दूसरों के साथ बदतमीजी करता है गाली गुलूच करता है तब सारे जिस्म की पिटाई होती है हालांकि गुनाह किसने किया जबान ने किया लेकिन अगर आप जबान से किसी के साथ एहतराम का मामला करें तो इंसान की इज्जत होती है उसे एहतराम मिलता है और यह पूरे जिस्म को एहतराम किस वजह से मिल रहा है जबान की वजह से

और गुनाहों की मगफरत में तकवा के साथ साथ जबान के सही इस्तेमाल का भी बहुत बड़ा रोल है लिहाजा पहला उसूल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने से छोटों के साथ भी अपने से बड़ों के साथ भी आपकी बीवी है आपके बच्चे हैं आपके नौकर हैं आपके रिश्तेदार हैं आपके पड़ोसी हैं सबके साथ आप अच्छे अंदाजे बात कीजिए अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं बहुत सारे लोग अपनी बीवियों से बहुत खुश रहते हैं लेकिन पांच मिनट के गुस्से में वो अपनी बीवी को तलाक देते हैं तीन तलाकें देते हैं और अगर मामला हनफी का रहा तो बीवी का मामला हलाले तक पहुंचता है। अल्लाह के नबी वसल्लम क्या फरमाया इदा कि अगर तुम में से किसी को गुस्सा आए तो चुप हो जाए क्यों भाई क्योंकि गुस्से में जो आग में जो पेट्रोल का काम है गुस्से के टाइम पर वो काम जबान करती है छोटा सा झगड़ा है आपकी दो तीन गालियों से वो झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता है अगर आप चुप हो जाएं, नबी वसल्लम की इस बात को मान ले तो कोई बड़ा मामला हो आपके खामोश रहने से वो मामला दब जाता है तो आपने फरमाया फरमायादा गजीबाद फल जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो सबसे पहला काम वो ये करे कि अपनी जबान पर ताला लगा दे चुप बिल्कुल जबान ना खोले बड़े से बड़े मामले दो चार दस मिनट में बीस मिनट में आधे घंटे में पूरी तरह से खामोश हो जाएंगे भड़की हुई आग खत्म हो जाएगी लेकिन अगर मामला मामूली हो और आप अपनी जबान को तेजी से चलाते रहें तो जो आग बहुत मामूली थी वो आग सारे रिश्तों को जलाने के लिए काफी हो जाती लिहाजा पहला उसूल, वकूल उलना से हुसना सारे लोगों के साथ अच्छे अंदाजे बात हमेशा अच्छी तरह याद रखें पराने करीम का एक छोटा सा टुकड़ा है वकुल से हसना और बदजबानी से जो नतीजा जाहिर होगा अल्लाह रबीन ने पुरानी करीम में इसका भी जिक्र फरमाया फरमाया वकुल इबादल अहसन इन शैतान बेशक शैतान उनके दरमियान झगड़ा लगा देता है बात छोटी सी है किसी ने आकर आपको बताया कि भाई फला ने आपको यह कहा आप उसके पास गए हाँ कहा आप क्या कर लेंगे और इस तरह छोटा सा मामला बढ़ करके शैतानी साजिश की वजह से चुगली की वजह से गीबत की वजह से एक बड़ा मामला बन जाता लिहाजा हमेशा हमेशा अपनी जबान को अपने काबू में रखें और अपनी जबान से हमेशा खैर की बात करें वरना खामोश रहें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का हवाला देते हुए फरमाया मन का जो आदमी अल्लाह पर ईमान रखता हो और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो या तो भली बात कहे या तो खामोश रहे फलीकुल खईरन अवलियस खुद या तो भली बात कहे या चुप रहे अगर आपने इस उसूल को अपनी जिंदगी में नाफि कर लिया तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारे शर और फितने फसाद झगड़े से अपने आप को आप बचा ले जाएंगे इसलिए हम सबको चाहिए कि हम और आप अपनी जिंदगी में इस उसूल को अपनाएं कि अपनी जबान का हमेशा दुरुस्त इस्तेमाल करें अगर आप गुस्से में हो अगर आप खुशी में हो अगर आप गम में हो इन तीनों कंडीशनों में खास अपनी जबान की हिफाजत कीजिए ताकि आप उसके नतीजे में जाहिर होने वाले फसादात से मुसीबतों से झगड़ों से अपने आप को बचा सकें ये कुरान की तालीम है इस पर अमल करेंगे तो इन आपको इसके फवाद जरूर बे जरूर हासिल होंगे दूसरी चीज या दूसरा असूल अल्लाह रबुलामीन ने यह जो दुनिया बनाई है इस दुनिया के अंदर इंसान की एक हालत कभी नहीं हो सकती इंसान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के हालात आते हैं और ऐसे ऐसे हालात आते हैं जो इंसान को पसंद नहीं है। उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूं एक ये कि इस्लाम आपको ऐसी बातों का हुक्म देता है जो आपके नफ्स को गिरा गुजरता है जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन इस्लाम का हुक्म है कि आपको ऐसा करना है दूसरा आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलत पेश आते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं है मिसाल के तौर पर जो कज़ा और कदर के मामले हैं किसी के मौत माल की तबाही फसादात, हादसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद आयात में इस बात की वजाहत फरमाई कि इंसान को हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीम को मानना चाहिए उसे ज़ाहरी तौर पर पसंद हो या नापसंद क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको अल्लाह रब्लम ने जिस बात का हुक्म दिया है बज़ाहिर आपको लगता है कि ठीक नहीं है लेकिन उसका जो नतीजा है वो बिल्कुल अच्छा और बेहतर है क्योंकि अल्लाह आलमीन को ज्यादा मालूम है और आपको बिल्कुल मालूम नहीं अल्लाह आलमीन ने इस उसूल को जिहाद का जिक्र करते हुए फरमाया लकुम कि तुम्हारे ऊपर जिहाद को फर्ज कर दिया गया हालांकि तुम्हें पसंद नहीं है वहां जाना है माल लगाना है हो सकता है जान चली जाएगी उसके बाद अल्लाह आलमीन ने इस उसूल का जिक्र किया फरमाया व आसान तक्र خير खैर ऐसा मुमकिन है कि एक चीज तुम्हें ना पसंद हो तबीयत पर गिरा गुजर रही हो लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो वह ऐसा अन वह हिब्ब लकुम और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद है लेकिन वो तुम्हारे लिए बहुत बुरी हो व अंतुम ला तालमून अल्लाह आलमीन जानता है और तुम नहीं जानते मिसाल के तौर पर अल्लाह आलमीन ने जो फजर की नमाज है उसकी बहुत ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। एक खास रुतबा है पांचों नमाजों में नमाज फजर का मकाम बहुत ही ज्यादा आला है बहुत ऊंचा है इसके बहुत ज्यादा फजाइल है लेकिन फजर में उठ करके आना जमात में शामिल होना और यह काम मुसलसल करना यह नफ्स पर गिरा है। अभी तो ठंडी की रातें हैं इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है जमात का टाइम तकरीबन छह बीस के आसपास लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है इसमें रातें छोटी होती उस वक्त उठकर आना और गिरा होता है या ठंडी का जब ज्यादा मौसम हो ठंडक का तब उठकर आना ठंडे पानी से वजू करना और मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ना वाकई नफ्स पर गिरा है इसीलिए तो अक्सरियत नहीं पड़ती है लेकिन आप इस उसूल को फिट कीजिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन यही आपके लिए बेहतर आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आपके लिए यही बेहतर है क्योंकि अल्लाह आलमीन ने नमाज फजर के अंदर जो फजीलतें रखी हैं वो फजीलतें आपको किसी भी अमल में नहीं मिल सकती लेकिन नफ्स पर गिरा है अगर ये जबता आपकी नजर में हो कि भाई अगरचे नफ्स पर भारी है उठना मुश्किल है लेकिन हमें अल्लाह का यह हुक्म जरूर मानना है क्योंकि अल्लाह रब्बुल रबालमी ने फरमाया हो सकता है जो चीज तुम्हें नापसंद हो लेकिन वही तुम्हारे लिए बेहतर हो अल्लाह रब्बुल रबालमी ने फरमाया जक़त अदा करो जक़ात अदा करो यह अल्लाह का हुक्म है लेकिन आप साल भर कमाते हैं अब आपको अपनी पूरी दुकान का हिसाब करना है पूरे पैसे का हिसाब करना है जिनका बाकी है उनका लेकर आना है जिनको देना है उनको अलग करना है और बहुत सारा एक लंबा हिसाब किताब है भारी लग रहा है इसीलिए तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मौलाना ऐसी अंदाजे से दे दे तो चलेगा क्योंकि वो सारा हिसाब उनको गरा गुजरता है लेकिन आप ये उसूल अपने जहन में रखिए कि अल्लाह का हुक्म है कि आपको साल पूरा होने के बाद अपना हिसाब देखना है अगर वो निसाब को पहुंचता है तो हिसाब करके आपको देना है और ये देना ही आपके लिए बेहतर है अगर आपको गरा गुजर रहा है ये तो एक मिसाल है दूसरी मिसाल ऐसी तकलीफ दे हालात जिसमें आपका माल बर्बाद हो गया जिसमें आपका रोजगार छिन गया आपका कोई करीबी मर गया और कोई मुसीबत आ गई अब आपको क्या करना है दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बेसब्री का एक रास्ता है सब्र का जो सब्र नहीं करेगा और वो अल्लाह आलमीन पर इतराज करेगा बेसब्री करेगा जजा फजा करेगा एक दूसरे के सामने शिकवा शिकायत करेगा ऐसा आदमी इस मुसीबत को तो दूर नहीं कर सकता और इस मुसीबत में उसे कुछ फायदा भी नहीं मिलेगा उसे डबल नुकसान होने वाला है दूसरा रास्ता है सब्र का और इस सब्र की राह में उसके लिए फायदा ही फायदा है कोई नुकसान नहीं जो नुकसान हुआ है उसमें आदमी को यही सोचना है कि घर इस मुसीबत की वजह से मेरा नुकसान हो गया लेकिन शायद इसी में अल्लाह रबालमी ने मेरे लिए कोई खैर रखा हो अल्लाह ने क्या फरमाया वह आसान तक्रो शै वो व खैरुम वह आसान शर लकुम यह हादसा हो सकता है मेरे लिए किसी और बड़े खैर का जरिया बन जाए इसलिए मुझे अल्लाह रब्लम से उम्मीद है कि अल्लाह रब्लम की जाने से जो हुआ मैं उस पर राजी हूं इन्ना व इन राजनी मुसीबत ही वखलि अल्लाह रबी ने जो किया इनशाला बेहतर होगा अगर आप यह करते हैं तो आपके लिए फायदा है लेकिन अगर आप यह करते हैं कि पूरे समाज में मैं ही मिला था इस मुसीबत के लिए अल्लाह पर एतराज तकदीर पर एतराज बेसब्री ऐसी राह चलना इंसान के लिए सरासर नुकसान का बाइस। है मैं आपको एक मिसाल देता हूं हजरत सलमा रजी अल्लाह तहा के शौहर अबू सलमा का जब इंतकाल हो गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ वो कहती है मैंने एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि से सुन रखा था हदीस क्या थी कि जो भी मुसलमान किसी भी मुसीबत के टाइम अगर ये दुआ करता है इन्ना अल्लाह जोरनी मुसीबत ही वखलिफली खैरमी तो अल्लाह रबालमी उसको उस मुसीबत के बदले बेहतर बदला आता फरमाता है वो कहती मैंने सोचा कि मेरे शोहर सलमा से बेहतर कौन हो सकता है कोई नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इस दुआ को इसलिए पढ़ लिया क्योंकि नबी का वादा है कि अल्लाह रब्बुल रबालमीन उससे बेहतर आता फरमाएगा तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्लम बेहतर आता फरमाएगा लेकिन कैसे पता नहीं मैंने ये दुआ पढ़ लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू सलमा के बदले मेरा निकाह रसूलुल्लाह से करा दिया सहाबिया का यकीन कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया कि जो बंदा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ली मुसीबत ही ये पढ़ेगा मुसीबत के टाइम पर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसीबत के बदले दूसरी कोई उससे बेहतर चीज अता फरमाएगा तो मैंने पढ़ लिया तो रबमिन ने मुझे उससे बेहतर बदला यह अता फरमाया कि मेरा निकाह रसूल सल्हम से करा दू इस वाकई से पता चलता है कि अगर आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए आप ये दुआ पढ़िए सब्र कीजिए और अल्लाह से उम्मीद रखिए अल्लाह रब्बुल रब्लम आपको आपकी मुसीबत में जो नुकसान हुआ है उसका बदल जरूर अता फरमाएगा वो दुनिया में भी हो सकता है और वो आखरत में भी हो सकता है और आपके साथ जो भी हो आप उसके अच्छे पहलू पर जरूर नजर रखें एक और वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी मां को अल्लाह रब्बुल रबी ने हुक्म दिया कि इस बच्चे को संदूक में रख करके दरिया में डाल दो कितना गिरा हुक्म है लेकिन उन्होंने किया अंजाम क्या हुआ फिरौन के खर्चे पर मूसा सलातम की मां मूसा सलातम की परवरिश करती रही और शाही खर्चे पर हजरत मूसा सलाम अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे ये कैसे हुआ बजाहिर तो बहुत भारी काम है कि बेटे को संदूक में रख करके दरिया में डाल दू लेकिन अल्लाह का हुक्म यही है उन्होंने किया और उसका नतीजा आपके सामने हजरत सलाम का कुएं में डाला जाना भाइयों की साजिश करना बाहिर बहुत खतरनाक लगता है लेकिन आप अंजाम देखिए कि मूसा सलातम के बाद हजरत यूसुफ यूसुफलाम को जो अजीज मिस्र का मनसब दिया गया उसका आगाज ऐसे मामले से है जिसकी वजह से यूसुफ यूसुफ्लाम को भी तकलीफ हुई हजरत याकूब याकूबलाम को भी तकलीफ़ हुई लेकिन ऐसा इसलिए किया गया ताकि हजरत यूसुफ यूसुफलाम को अजीज मिस्र बनाया जा सके आपको वो मकाम दिया जा सके जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन फरमाया तो अगर यूसुफ यूसुफलातम अल्लाह से नाराज़ होते कि भाई मुझे इतनी मुसीबत में क्यों डाल रहे हो याकूब अलसलातलाम अल्लाह से नाराज़ होते कि मेरा सबसे चहेता बेटा क्यों गायब हो गया हालांकि मैं नबी हूं लेकिन उन्होंने सब्र किया अल्लाह से उम्मीद रखा और इस तकलीफ देह मामले के पीछे जो भलाई छुपी हुई थी उसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखी लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम और आप अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों और तकलीफों को इस आयत करीमा के मीज़ान पर रखें कि जो चीज़ बज़ाहिर आपको तकलीफ दे रही है लेकिन अगर वो अल्लाह का हुक्म है तो आप अल्लाह से भलाई की उम्मीद रखें अल्लाह रब्बुल रब्लम की जानिब से जो फैसले आ रहे हैं बज़ाहिर बर्बादी के फैसले हैं लेकिन आप उसके उस पहलू को देखिए जिसमें अल्लाह रब्लम ने भलाई छुपा रखी किसी आदमी का बेटा मरना किसी मां का बेटा मरना कितनी तकलीफ दे बात लेकिन जब इन्ना लिल्लाही इन्ना लिल्लाहि व इलैहि राजिऊन ली इनाजर मुसीबत पढ़ते हैं और सब्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए जन्नत में घर बनवाता है और उसका नाम रखता है बैतुल बेतुल्हमद बजाहिर बेटा मर गया लेकिन यहां पर सब्र की वजह से वहां पर महल तैयार किया जा रहा है तो दूसरा उसूल है कि आपके सामने अल्लाह का जो भी हुक्म आए अगर जिना पसंद हो आप उसे मानिए उस पर अमल कीजिए और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखिए और अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आए कोई परेशानी आए कोई तकलीफ दे हालात आए तो आप इन हालात में भी अल्लाह से खैर की उम्मीद रखिए कि जरूर अल्लाह आलमीन ने मेरे लिए इसके अंदर कोई ना कोई भलाई छुपा रखी तीसरा ओसूल जो हमारे समाज से तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है इस्लाम का ये उल कर्न करीम का ये असूल हमें यह बताता है कि हमारा मिजाज सुलह का होना चाहिए सुलह कर लेना आपस में जो झगड़ा है उसे दूर करके मेल मिलाप कर लेना चाहिए यह इस्लाम एक मुसलमान को सिखाता है एक मोमिन को सिखाता है अल्लाह आलमीन ने कुरान करीम को मिया बीवी के दरमियान भी एक मोमिन दूसरे मोमिन के दरमियान भी एक कौम और दूसरे कौम के दरमियान भी अगर झगड़ा हो जाए तो कुरान तालीम देता है कि उन्हें सुलह कर लेना चाहिए और सुलह कर लेना यही बेहतर है हमारे समाज में या तो आदमी मिलकर रहेगा या तो हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करके अलग अलग हो जाएगा बीच की कोई राह नहीं कुरान कहता है वह सुलह खैर सुलह कर लेना यही बेहतर है अलग होना ही बेहतर नहीं है बल्कि सुलह कर लो इसमें ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भलाई रखी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मियाँ और बीवी के मामलात बयान फरमाए निसा के अंदर फरमाया कि अगर शौहर को बीवी से तकलीफ बीवी बात नहीं मानती नाफरमानी करती है उसका हक अदा नहीं करती है तो इस्लाम उसको तीन तरीके से इस्लाह की कोशिश करने का हुक्म देता है सबसे पहले अपनी बीवी को समझाओ नहीं समझती है तो उसे बिस्तर से अलग कर दो फिर भी नहीं समझती है तो उसे हल्की मार मारो अल्लाह तरमाता इन तीन बातों के बाद बीवी को मान जाना चाहिए यानी उम्मीद यही है लेकिन अगर फिर भी ना माने तो तो फरमाया गया लड़की की तरफ से एक आदमी और लड़के की तरफ से एक आदमी दोनों आए बैठे और देखें कि मियाँ बीवी में से कौन कितना सही पर है और कौन कितना जुल्म पर है दोनों के मामले को देखें अल्लाह आलमीन फरमाता है इन यूरीदा इसलाहन इन यीदा इस्लाहन युवा कि अगर ये दोनों लोग इसलाह का इरादा रखते हो अगर इस्लाह का इरादा रखेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों को मिलाने की बात करेंगे शोहर को भी समझाएंगे बीवी को भी समझाएंगे अगर इन दोनों का इरादा यह है कि दोनों मिल जाएं, अल्लाह तरमाता यू अ फ़िकल्ला हो हु बई नुमा अल्लाह रबालमी इन दोनों के दरमियान मुआफकत पैदा कर देगा और अगर बीवी को शौहर से तकलीफ है यानी शौहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देता उसका खर्चा नहीं देता उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं करता तब बीवी क्या करे अल्लाह ताला फरमाते तब भी सुलह करना चाहिए एक औरत का सवाल आया कि मेरा शोहर गाली बहुत देता है तो मैं खुला लूं या ना लूं मतलब सब्र नाम की कोई चीज नहीं है इस्लाह के लिए कोई रास्ता नहीं बस एक ही रास्ता है या तो खुला और तलाक या तो बिल्कुल सौ परसेंट ठीक होना चाहिए या तो फिर हमेशा के लिए जुदाई कुरान कहते हैं तरीका ठीक नहीं है अगर बीवी को शोहर से तकलीफ हो तब भी बीवी को चाहिए कि वो अपना कुछ हक माफ कर दे और अपने शोहर से सुलह कर ले ऐसा सुलह करना भी बेहतर है बन इस इसके कि आप जुदा कर दो यहां तो मामला बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है यानी एक बीवी को अपने शोहर की एक दो गलती उसे खुला लेने के लिए काफी है इसी तरह शोहर का भी मामला है बीवी की तरफ से कुछ गलतियां शौहर को इतना गिरा गुजरती हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे देता इसलिए है क्योंकि हमारा मिजाज यह नहीं है कि हम दो इख्तलाफी मामलात में सुलह की राह इख्तियार करें शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी की कुछ गलतियों को माफ कर दे जाने दे कि कोई बात नहीं बीवी को भी चाहिए कि शौहर की कुछ बातें जाने दे और इस अफवाह दरगुजर के जरिया आपस में बैठ करके मिल करके मसले का एक हल निकाले और सुलह कर ले और यह सुलह का मामला हमारे समाज में नहीं है इसीलिए मियां बीवी के दरमियान होने वाले झगड़ों में या तो लड़ाई ही होती रहती है और या तो तलाक हो जाता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सुलह कराने को बहुत बड़े अजरे अजीम से जोड़ रखा है अल्लाह आलमीन ने फरमाया لا خير في كثير من نجواهم हम من अमर अब सदिन معروف मरूफिन और بين الناس. कि लोग जो आपस में गुफ्तु करते हैं उसके अंदर भलाई नहीं है मगर तीन काम ऐसे हैं जो बहुत बड़ी भलाई के हैं एक ये कि कोई इंसान सदका का हुक्म दे या भलाई का हुक्म दे और बैन या लोगों के दरमियान इस्लाह का हुक्म दे में यह फैलदा कब तमर वातः और जो आदमी ये काम करे यानी सुलह का काम करे अल्लाह रब्बुल रबीन की खुशी के लिए फसो फन ही अजर अवीमा तो हम ऐसे आदमी को बहुत बड़ा अजर अता फरमाने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल मदीना से मस्जिद कुबा और अहले कुबा के पास गए किस लिए सुलह कराने के लिए वहां पर झगड़ा हो गया अल्लाह के नबी सल्ला वसम साहब कराम को लेकर के कुबा गए ताकि उनके दरियाँ सुलह करा सके तो अल्लाह के नबी सल्ला वसम का इतना दूर चल कर जाना सुलह कराने के लिए इस बात की दलील है कि ये एक अहम तरीन काम है लिहाजा हमारा मिजाज हमारा माइंड ऐसा बनना चाहिए कि हम झगड़ों और इख्तलाफात के मौाक़ पर अपने आप को सुलह के लिए मायल करें जिद ना करें अकड़ की राह इख्तियार न करें तकबर की राह अख्तियार न करें बल्कि अपने आप को सुल्ह पर आमादा करें कि अगर दो लोग दो मुसलमान या मियाँ बीवी या वालदेन और माँ बाप के दरमियान भी अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो बिजाए इसके कि आदमी सालों साल रिश्ता ख़त्म कर दे बातचीत ख़त्म कर दे ताल्लुक ख़त्म कर ले मिलकर बैठें और देखें कि वो कौन सी राह है जिसमें दोनों के हिसाब से अगर इतफाक की कोई शक्ल बनती है तो उस शक्ल बना लिया जाए और रिश्ता जो टूट रहा था उस रिश्ते को सही कर लिया जाए हमारे समाज में बहुत सारे बेटे और बाप ऐसे हैं जिनके दरमियान सालों साल गुफ्तु नहीं होती और ये गुफ्तगु क्यों नहीं होती है बाप को कुछ चाहिए और बेटे को कुछ चाहिए अब अगर सुलह करने के लिए बीच में कोई आ जाए तो ये जो कत ताल्लुकी का मामला है वो करीब आ सकता है जो गुफ्तु बंद है वो गुफ्तगु चालू हो सकती है जो रिश्ता टूट गया है वो रिश्ता दोबारा जुड़ सकता है लेकिन ये कब होगा जब बाप भी चाहे और बेटा भी चाहे दोनों चाहें कि भाई अगर हमसे कुछ गलती है या उधर से कुछ गलती है दोनों मिला करके एक ऐसी राह बनाई जाए जिसमें कम से कम जो रिश्ता टूट गया है वो रिश्ता बन जाए तो अपने दरमियान अपने जहनो दिमाग में अपने घरों में अपने समाज में हमारा जहन ऐसा बनना चाहिए कि हम सुलह करने वाले हों हम सुलह जो हों सुलह के लिए हम कोशिश करने वाले हों अगर उस अपना कोई हक हमें छोड़ना पड़े माफ करना पड़े तब भी हम राजी हो जाएं अगर सुलह की कोई शक्ल बनती है तो आपने देखा नहीं सुलह हुदैबिया के मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर भी राजी हो गए कि अगर कोई मुसलमान मक्का से मुसलमान होकर के मदीना जाता है तो उसे वापस कर दिया जाए और आपको इस साल उमरा नहीं करना है आप वापस जाइए अगले साल आइए और ऐसी बहुत सारी शर्तें आपने इसलिए मान ली क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फवायद थे लेकिन आपने सुलह किया इसलिए हमारे समाज में सुलह की जो खसूसियत खत्म हो रही है उसे दोबारा लाने की जरूरत ताकि हमारे दरमियान किसी भी सतह पर जो झगड़ा मौजूद है वो खत्म किया जा सके आखिरी जो असूल है वो ये है कि हमें अपनी जिंदगी में दुआ को दाखिल करना चाहिए दुआ ये अल्लाह का बंदे के साथ एक ऐसा गहरा रिश्ता है जिसके जरिया बंदा अपना हर दुख दर्द अपने रब के सामने बयान करता है अपनी हर तकलीफ अपने रब के सामने बयान करता है इंसान जब परेशान होता है खासकर जब उसे घरेलू और जहनी तकलीफें पहुंचती हैं तो वो अपने पड़ोसी के पास अपने दोस्त के पास अपने लोगों के पास जाकर के सिर्फ शिकायत करता है लोग उसकी शिकायत सुनते हैं लेकिन बाद में मजाक उड़ाते हैं और आदमी कितनी बार सुनेगा आपका एक बार दो बार तीन बार चौथी बार बोलेगा भाई बहुत हो गया अभी मैं नहीं सुन सकता मेरे पास टाइम नहीं लेकिन अगर आप अपना दुख दर्द अपने रब से बयान करें अल्लाह से बयान करें आपका जो भी दर्द है जो भी गम है जो भी तकलीफ है जो भी दुख है दिल में वो सारा सब कुछ आप रात में उठिए जब अल्लाह आलमीन आसमानी दुनिया पर होता है और अपना सारा दर्द अपने रब के सामने बयान करें। अल्लाह आलमीन आपके दर्द को सुनेगा आपकी तकलीफों को दूर करेगा आपके दिल को सुकून देगा और आपकी बातें किसी से नकल नहीं करेगा अल्लाह रबी Al ने वादा फरमाया है इदा सालक इबादी अन्नी फी करीब उजीब दावत दी फलिय और मेरे बंदे जब आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो आप उनसे कह दीजिए कि मैं करीब हूं मैं इतना करीब हूं कि कोई भी इंसान कुछ भी दुआ करे मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं आप अपना कोई भी मुश्किल है आप अपने रब से बयान कीजिए अपने रब से दुआ कीजिए अपने सारे दुख दर्द गम को अपने रब से कहिए उसका वादा है ओ दावत दाई, दुआ करने वाले की दुआ को मैं कबूल करता हूं दुआ करने वाला जब दुआ करता है अल्लाह रब्लम के सामने अपना दुख दर्द बयान करता है तो अल्लाह रब्लम उसके इस सारे आर्जुओं को सारी तमन्नाओं को सारी दुआओं को रब्बुल रबालमीन कबूल फरमा लेता है बशर थे कि आपने अपनी दुआ को पूरे अखलास के साथ पूरे तजर्रों के साथ गिड़गिड़ा करके सच्चाई के साथ अपने रब के सामने अपना दर्द बयान किया है अल्लाह रब्लम ज़रूर कबूल फरमाएगा और हदीस में इस कबूलियत के लिए अल्लाह रबीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन शक्लें बयान फरमाई कि कोई भी मुसलमान अगर दुआ करता है ऐसी दुआ जो गुनाह पर मबनी नहीं है जो गुनाह वाले काम नहीं है एक आदमी का हराम कारोबार है वो दुआ कर रहा है अल्लाह रबालमीन मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा यह दुआ कबूल नहीं होगी तो अगर एक आदमी दुआ कर रहा है जिसमें गुनाह की बात नहीं है या अता रहमी की बात नहीं तो अल्लाह रब्लम उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है और उसकी तीन शक्लें होती हैं पहली अल्लाह रब्लम से आप जो मांग रहे हैं अल्लाह रब्बालमीन सेम चीज आपको अता फरमा देता है जो आपने दुआ किया अल्लाह रबालमीन ने वही चीज आपको दे दी या अल्लाह रब्लामी ने आपको वही चीज़ अता नहीं फरमाई बल्कि अल्लाह रबालमीन ने उसके बदले आपको कुछ और अता फरमा दिया या आपके ऊपर आने वाली कोई मुसीबत अल्लाह रब्बुल रब्लमी ने दूर कर दी लेकिन आप जो मांग रहे थे वो आपको नहीं दिया यह अल्लाह रब्बुल रब्लम की हकमत है कि क्यों नहीं दिया लेकिन अगर आपकी दुआ वाकई सच्ची है तो अगर सेम चीज नहीं मिलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी चीज अता फरमाता है या कोई मुसीबत जो आपके ऊपर आने वाली थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा देता है और तीसरी शक्ल यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में आपको कुछ नहीं देता दुआ के बदले बल्कि आपकी दुआ का जो सवाब है उस इबादत और बंदगी का जो अज्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे महफूज फरमा लेता है और उसका सवाब आपको आखिरत में मिलने वाला सहाबा ने कहा अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो हमें बहुत ज़्यादा दुआ करना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी बहुत ज़्यादा तुम्हें आता फरमाएगा यानी दुआ में कभी कोई नुकसान नहीं है बस आपकी दुआ इखलास के साथ इंतहाई दिलजवाई के साथ अगर आपके दिल से निकलती है आपके जबान से निकलती है और वो दुआ इस लायक है कि कबूल हो तो अल्लाह रब्लम इन तीन अंदाज में आपकी दुआ को कबूल फरमा लेता है इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुशहाली में हों गम के वक्त में हो किसी भी हाल में हो हमें अपने रब से जरूर ज़रूर दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह रब्लमी से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्लम हम सबको इस दुनिया में किताब व सुन्नत के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और कुरान की जो राह है कुरान का जो रास्ता है कुरान की जो तालीम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात को हल करने की तौफीक अदा फरमाए इसी में अल्लाह आलमीन ने शादत रखी है कामयाबी रखी है खैर रखा है दिल का सुकून रखा है बरकत रखी है इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी अल्लाह आलमीन हम इसकी तौफीक अता फरमाए आमीन असल वरह बरकातहू